हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बढ़िया है। मॉर्निंग का टाइम है और ये देख लीजिए हमारे इधर का वेदर। तो वेदर इतना अच्छा है, मैं क्या बोलूँ। मेरी नज़र ना लग जाए इस वेदर को, क्योंकि बीते कुछ दिनों में गर्मी से बेहाल हो रखी थी। और अभी तो बारिश खैर नहीं हुआ है, लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, धूप बिल्कुल से नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखिए तुलसी जी का प्लांट मेरा, जो मैं अभी न्यू लगाई हूँ। ये पौधा बिल्कुल न्यू है, पहले मैं लगाई थी। वो धूप की वजह से शायद वो उसके पत्ते जो हैं सूख गए थे, पूरा पेड़ ही सूख गया था। पौधा तुलसी जी का पूरा सूख चुका था, तभी मैं ये न्यू पौधा लगाई हूँ। और अभी पानी वगैरह ज़्यादा डालने का पौधों में नौबत नहीं आ रही है। मतलब एक दिन छोड़ के भी मैं डाल दूँ तो चल जाता है। और यहाँ पर देखिए ये नन्हा सा पौधा निकला हुआ है, जो कि करेले का है। यहाँ पर मैंने करेले का बीज डाला हुआ था तो वो ग्रो कर गया है। ये देखिए दो पौधे निकल आए हैं और दोनों को मैं हैंग कर दूंगी। अभी थोड़ा बढ़ जाइए अच्छे से, उसके बाद मैं इसको ग्रिल में हैंग कर दूंगी तो शायद ये फल भी जाए। तो ये रहा आज का वेदर, बहुत अच्छा है दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छा है। धूप बिल्कुल नहीं है और गर्मी भी बहुत राहत दे रही है, अभी गर्मी ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे इधर का वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बारिश तो नहीं हुआ है, लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब धूप नहीं है, भीनी भीनी सी हवाएं चल रही है धीरे धीरे। और मौसम जैसे एक चिड़चिड़ापन वाला था, गर्मी जो चिलचिलाती धूप गर्मी हुआ था अभी से करीबन 1 वीक पहले, मतलब 2-3 दिन से ये मौसम है अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मतलब दिन में भी कभी थोड़ा सा बहुत निकल जाती हूँ तो फील नहीं होता है। गर्मी तो लगता ही है, बट जैसा गर्मी था वो नहीं है। और बारिश भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी मौसम हमारे इधर का चेंज होगा, बारिश वारिश आएगा, तो मौसम और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मेरी नज़र ना लग जाए, क्योंकि मैं पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ गर्मी की वजह से। और लाइट का समस्या हमारे इधर का रहता ही है, रूम में रहना है और लाइट नहीं रहती थी तो ऐसे भी जैसे बेकार पड़ा हुआ था। अब थोड़ा लग रहा है, रिलैक्स हूँ। और कहीं कहीं पे बारिश भी हुई है, लेकिन हमारे इधर बोकारो में बिल्कुल ज़रा सा भी बारिश अभी तक हमारे एरिए में तो नहीं हुआ है। और अगल बगल एरिए में अगर हुआ होगा थोड़ा बहुत तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर बिल्कुल नहीं बारिश हुआ है। अभी मैं खाना बना रही हूँ, सब्जी वगैरह मेरा कट हो चुका है और दाल चावल रख के मैंने सब्जी को कट कर लिया है। सब्जी में मैं आज बनाऊँगी अरबी और आलू की सब्जी, साथ में रहेगा करेले का भुजिया, दाल चावल, ये सब मेरा आज दोपहर लंच का मेन्यू है। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने किचन में लेके चलती हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ पे मुझे ध्यान जा रहा है दोस्तों, मैं दिखा दूँ। ये देखिए इसके अंदर में बाल गोपाल जी का ड्रेस है, जो कि मैं लेके आई हूँ। सभी तैयारियाँ मेरे घर में चल रही है, देवर जी का शादी है तो उस पर्पज़ में मैंने कान्हा जी के लिए भी ड्रेस लेकर के आई हूँ। और इसमें कैसा ड्रेस है चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पहले, तो उसके बाद किचन में लेके चलूँगी। आई होप कि कान्हा जी का ड्रेस जो है आप लोगों को भी पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ कान्हा जी के नाम से एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए मैं ड्रेस दिखाती हूँ, एक सांस में सारा सब कुछ भूल गई। दोस्तों मैं ड्रेस दिखा दूँ आप लोगों को, यहाँ पे मैं 3 ड्रेस लेकर के आई हूँ, जिसमें से ये फर्स्ट वाला ड्रेस आप लोग देखिए, ये जो है येलो और रेड के कॉम्बिनेशन में है, साथ में सिल्वर का पाइपिंग इसमें डाला गया है, ये देख लीजिए। तो एक ड्रेस ये हो गया और ये दूसरा वाला हो गया दोस्तों, जो कि पिंक और गोल्डन का इसका वर्क हो रखा है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और ये तीसरा है, जो कि स्काई ब्लू बोलेंगे और येलो, स्काई ब्लू या लाइट ग्रीन भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये भी 2 कलर का कॉम्बिनेशन में है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा तो मैंने ले लिया है। और इधर कान्हा जी के लिए 2 छोटे छोटे टोपियां हैं, ये देखिए, एक ये है येलो कलर में और ये 2 उनके लिए मालाएँ, जो कि मैं लेकर के आई हूँ। और ये ड्रेस मैंने इसलिए लिया है कि मेरे बच्चों का जैसे चाचू की शादी है तो कान्हा जी का भी बनता है ड्रेस वगैरह खरीदना, तो इस पर्पज़ से मैंने ले लिया है। और चलिए अब किचन में चलते हैं दोस्तों, और चल के देखते हैं कि किचन में मेरा क्या चल रहा है। तो चलिए मैं सभी चीज़ें आप लोगों के साथ आज का शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को। तो दोस्तों ज़रूर से बताइएगा कि ड्रेस कैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालाँकि मैं हाथ से बनाती, बट अभी थोड़ा सा समस्या है समय का दोस्तों, क्या बोलूँ, गर्मी है और भी तैयारियां जैसे करना पड़ रहा है, इस वजह से सिलाई मशीन में थोड़ा सा समय मैं नहीं दे पा रही हूँ। हालांकि मैं हाथ से ही बनाती हूँ, तो चलो अभी सबका ख़रीदारी चल रहा था तो मैंने कान्हा जी के लिए भी कुछ ख़रीदारी कर ली हूँ यहाँ पे, और आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को ड्रेस दिखाया, आप लोगों को कौन से नंबर का ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ बताइएगा। और इधर देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ मैंने करेला कट करके रखा हुआ है और
साथ में मैंने यहाँ अरबी को कट किया हुआ है। अभी मैं आलू कट नहीं की हूँ, आलू थोड़ी देर में कट करूँगी, क्योंकि आलू अगर पहले ही कट कर दूँगी तो वो काला पड़ जाएगा, फिर मुझे पानी में डालना होगा, तो इसलिए मैंने कट नहीं किया है। और ये देख लीजिए, यह है अरबी जिसको मैंने छील के साफ़ कर लिया है। इसका ऊपर का जो छिलका होता है उसको मैंने निकाल दिया है। इधर मैंने एक टमाटर लिया है। और कैसे मैं अरबी का सब्ज़ी बनाती हूँ, चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी अरबी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। बिल्कुल मैं शॉर्टकट में बनाती हूँ, कोई तामझाम मेरे रेसिपी में नहीं होता है। मैं नॉर्मल जैसे अपने घर पर बनाती हूँ वही सेम थिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि लोगों को बनाने में और खाने में दोनों में ही मज़ा आए। तो चलिए दोस्तों, कढ़ाई जो है मेरा गरम हो चुका था, और इधर साथ के साथ आलू को कट करके मैंने पानी में डाल दिया है ताकि वो काला ना पड़े। हालांकि अभी मुझे 5 मिनट समय लगेगा आलू डालते डालते, इस वजह से पानी में धो करके मैं रख दी हूँ। और देखिए, तेल जैसे गरम हुआ तो उसमें मैंने जीरा डाला, प्याज डाला, और प्याज को मैं लाइट ब्राउन होने तक इसको भूनूंगी ऑयल में। और ये देख लीजिए, लाइट ब्राउन प्याज जो है हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैंने कुछ कलियां लहसुन के डाल दिए हैं ऑयल में, जिसमें मैंने प्याज भुना है, आपने देखा। और उसके बाद थोड़ा सा मैं सेलो फ्राई आलू को भी पहले करूंगी, उसके बाद अरबी को डालूंगी। तो ये लीजिए, अरबी को भी मैंने डाल दिया है ऑयल में, और विदाउट तामझाम के ये सब्ज़ी बनती है दोस्तों, बहुत टेस्टी लगता है। और अरबी का सीज़न आ चुका है, और जिन लोगों को अरबी खाना पसंद है तो इस प्रोसेस से एक बार बना करके खा लीजिएगा, बहुत यम्मी टेस्टी बनता है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मेरे घर में बच्चे पसंद करते हैं अरबी का सब्ज़ी, तो मैं जब भी लाती हूँ और जब भी बनाती हूँ ये शॉर्ट आउट हो जाता है तुरंत के तुरंत। तो चलिए, इसमें मैंने सभी मसाले साथ के साथ डाल दिए, जैसे नमक, हल्दी और अपना रेगुलर मसाला जो मेरे किचन में होता है, तो उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। और पानी अपने अनुसार डाल दिया, ग्रेवी के अनुसार मुझे पानी इसमें रखना है। कोई पानी इसमें मैंने ज़्यादा बढ़ा के नहीं डाला है, जितने में ये पक जाएगा उतना ही पानी मैंने इसमें यूज किया है, क्योंकि खाने में दाल भी रहेगा तो ग्रेवी का बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं 5 मिनट तक इसको ढक करके पकाऊँगी, और 5 मिनट के बाद मैंने इसको ढक्कन हटा करके टमाटर कट करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है। हालांकि प्याज के साथ साथ टमाटर को आप भून सकते हैं, लेकिन अगर बाद में डालते हैं तो ये पकने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है और अरबी आसानी से गल जाता है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी एक दबा करके देखा और वो इजली गल चुका था। तो चलिए, पानी को थोड़ा सा और सुखाते हैं, और अब फिर से मैंने ढक्कन डाल दिया है, और इसी तरह से ढक ढक के मुझे पका लेना। ग्रेवी अपने अनुसार रखना है, ज़्यादा या कम, जैसा भी आपकी मर्जी हो आप वैसा कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ग्रेवी तो सूख चुका था, और इस स्टेज पे मैं चाहूँगी कि मैं अब सब्ज़ी उतार लूँ। और कुछ इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ, एक लटपट सा मसाला जो हो जाए, हल्की हल्की गीली रहे सब्जी, बस उतना मुझे रखना है ग्रेवी, और उसको अब उतार लेना है। सब्ज़ी देख के आप समझ सकते हैं कि कितना डिलीशियस बना होगा, बहुत डिलीशियस बना था। जी दोस्तों, आलू और अरबी का सब्जी बनके कंप्लीट हो गया, दूसरे बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, और आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए, आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।